बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मुबारक मलिक, बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दुबई यूएई से। तो जैसे कि आप लोगों के नॉलेज में है, हम लोग बिजनेस सेटअप के हवाले से वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं सिलसिले में थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हम लोग जो इतने भी लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं यहाँ पर दुबई में आके, तो उनके लिए हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, नई कंपनीज बनाते हैं। अगर रनिंग कंपनी किसी ने परचेज़ करनी है उनको वो परचेज़ करके देते हैं, और अगर किसी ने रनिंग कंपनी सेल करनी है तो उनकी सेल में हेल्प करते हैं। और डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं उसके जो है, जो किस किस्म का आपने जो भी बिज़नेस करना होगा उस हवाले से आपको पहले बताना होता कि हमारी ये बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है या हम जो ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से जो भी उसकी रिलेटेड जो डिपार्टमेंट से अप्रूवल वगैरह और प्रोसेसिंग होती है वो फिर हम करके देते हैं आपको। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है हमारा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग के हवाले से आज हम बात करेंगे। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग, जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि दुबई में, यूएई में जितना भी बहुत ज़्यादा जो काम होता है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है होता है, बिल्डिंग्स वगैरह सारा उसके स्ट्रक्चर या उसकी बाकी जो बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी फिनिशिंग के हवाले से, उसकी रेनोवेशन के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा जो है वो नई से नई मशीनरीज के तहत जो है ना वो बड़ी से बड़ी और ऊँची से ऊँची बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो इस सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा जो है वो वर्किंग होती है इस सिलसिले में, और काफ़ी सारे लोग इस बिज़नेस में जो है ना वो इन्वॉल्व हैं। तो ये बेसिकली बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग, तो इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं जो होती है। सिंपल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग से आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप G+1, G+2, G+3, G+ इसी तरह ऊपर जाते रहते हैं, G+10, 12 और अनलिमिटेड तक जो है ना वो आप जा सकते हैं। ये G+1 का मतलब ये होता है कि फर्स्ट फ्लोर, G+2 का सेकंड फ्लोर, के आपको अथॉरिटी होती है बल्दिया से कि आप जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी से या किसी भी डेवलपर से जो है ना वो ले सकते हैं, उसके लिए इंजीनियर वगैरह जो भी टीम रिक्वायर्ड होती है वो सारी आपको जो है ना उसमें लाइसेंस में जो है वो रखने पड़ते हैं, बल्दिया के जो हैं सर्टिफाइड इंजीनियर्स कंसल्टेंट्स जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से। जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग का लाइसेंस होता है इसमें, ये आजकल जो नई पॉलिसी है उसमें आप बगैर स्पॉन्सर के लाइसेंस बना सकते हैं, और इसमें जो बल्दिया की फ़ीस जो है वो 10,000 के करीब होती है। इसमें बल्दिया की जो फ़ीस होती है तो वो 10,000 होती है, उसमें फिर जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह ये वोचर में ही जो है वो फ़ीस आती है, तो आप इसको उस हिसाब से प्रोसेस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बगैर स्पॉन्सर के बनेगा, गवर्नमेंट ने आजकल ये अलाउ किया हुआ है इसको, तो इसमें आप एक पार्टनर हैं, दो हैं, तीन हैं, जितने भी हैं 50 तक का पार्टनर रख सकते हैं, और उस हिसाब से। लेकिन जो वीज़ा इशू होंगे पार्टनर्स के वो दो इशू होते हैं, बाकी जो एम्प्लॉयज़ के वीज़ा जो है ना वो आप ले सकते हैं। तो इस सिलसिले में इसका जो प्रोसीजर है वो डिस्कस करते हैं कि जैसे कि काफ़ी सारी वीडियोस में पहले मैंने बताया हुआ कि आपको पहले नाम की सिलेक्शन करनी होती है, और अगर इंग्लिश नाम की तरफ जाएंगे तो वो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, और अगर नॉर्मल नेम या अपने नाम पे रखते हैं या रेपेक में जाते हैं तो इतनी कॉस्ट उसकी जो है ना वो नहीं आएगी। इंग्लिश की तरफ जाएंगे तो हर साल 2,000 आपको एक्स्ट्रा जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपका जो है वो ऑफिस वगैरह, क्योंकि ये वर्चुअल ऑफिस पे लाइसेंस नहीं बनेगा, इसके लिए फिज़िकली जो है वो प्राइवेट इजारी चाहिए होती है, इसलिए जो है वो आपको इसके लिए फिज़िकली ऑफिस लेना पड़ेगा, और उस हिसाब से जो है ये इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, और उसकी इजारी जब रिक्वायर्ड होगी तो वो मेमोरेंडम के साथ सबमिट करके, तो फिर इसका लाइसेंस और वो जो है वोचर पेमेंट करके लाइसेंस जो है ना आप निकाल सकते हैं। इसमें जो फर्दर है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ इसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए शुरू में ही जो है ना वो अच्छे कोटे जो है ना वो 20 या 30 आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो लोगों ने तो काफ़ी 200-500 जो है ना वो एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है, तो उस सिलसिले में जो है ना वो आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायर्ड आपके लेबर होगी उस हिसाब से आपको जो है ना वो वीज़े अप्रूव कर देती है लेबर डिपार्टमेंट।
तो ये था एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन। अगर आपको इस सिलसिले में कोई भी हेल्प चाहिए, कोई इंक्वायरी हो आपकी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली जो है वो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिल सके। तो व्यूअर, अनटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।